अच्छा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कसिंग द चेंजेस दैट अकर इन पेंडुलम. पेंडुलम जानते हो? एक पेंडुलम है, इसको हमने इधर से उठाया और फिर वो इधर तक आएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा. यस और नो? ऐसे जाएगा, राइट? ठीक है. तो अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि चेंजेस बताओ क्या है. तो सबसे पहली बात, जब वो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे आ जाता है, किस पे आ जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है. क्या हो जाती है? और सबसे ज्यादा स्पीड उसकी यहाँ पे होती है, क्योंकि इस साइड पे वो बिल्कुल भागने के लिए रेडी है, इस साइड को. तो इस साइड पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम. और इधर फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो. काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि यहाँ पे जाके वो रुक जाता है. वेलोसिटी जीरो हो जाती है यहाँ पे. वेलोसिटी जीरो तो हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी जीरो. इधर आता है फिर वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो. तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो अगर हम बात करें इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो. हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी इधर क्या थी? जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो. तो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो डिस्टेंस माने ये इधर एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी. तो ए पे जीरो, बी पे मैक्सिमम, सी पे जीरो. सिमिलरली अगर मैं इसकी करंट पोटेंशियल एनर्जी का गैप बनाऊँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का है मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ. हाँ या ना? इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. तो ये हमारा ग्राफ हुआ, दो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी. मैं बताता हूँ कैसे करता. हेलो, हाँ मैम, हाँ जी. हेलो, हाँ जी, बोलिए. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हेलो, तूने स्विमिंग पूल में खेला था? हाँ. क्लास का रजत का उसने पापा को फोन लगाया. स्विमिंग तो क्वेश्चन था वही बैग लेके, बैग लेके मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए. अच्छा, तो आप एक और चीज क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट हैपेंस इज दिस एनर्जी. बाद में तो रुक जाता है, पेंडुलम आता है, फिर रुक जाता है, फिर आता है, फिर एक पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या फिर थोड़ा कम जाता है, फिर थोड़ा और कम जाता है, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम, ऐसे करते करते वो. तो ये पॉइंट इज दिस, हमारे एयर में रेजिस्टेंस होती है जो कि उसको रोक देती है. तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो इस वजह से वो पेंडुलम जो है, जब ऊपर गया उसने थोड़ी हीट लूज़ कर दी. तो दो एक जूल लूज़ कर दी, तो वापस एक जूल वापस नहीं आई, फिर एक जूल लूज़ हो गई, फिर एक जूल लूज़ हो गई. लूज़ होते 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 फाइनली, तो दिस इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू हीट बट इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. क्लियर है पॉइंट? कर लेंगे क्वेश्चन. होमवर्क है फुट बैक एक्सरसाइज. फुल हो गई थी? नहीं.